विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही अब सियासत भी प्रचंड होने लगी है। सवाई माधोपुर विधानसभा सीट पर प्रत्याशियों के नामांकन दाखिल करने से पहले ही मामला संवेदनशील होने लगा है। गंभीर आरोप प्रत्यारोप के चलते क्षेत्र में भी स्थितियां अब धीरे धीरे तनावपूर्ण होने लगी है। ताजा मामला बीती रात का है, जहां राज्यसभा सांसद और सवाई माधोपुर विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, निर्दलीय प्रत्याशी और भाजपा की प्रदेश कार्य समिति अध्यक्ष आशा मीणा के गांव बालोलास में चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे। आपको बता दें कि चुनाव प्रचार करने के दौरान ही एक ग्रामीण और किरोड़ीलाल मीणा में किसी बात को लेकर तनातनी हो गई और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा गर्मा गर्मी के माहौल से निकल कर अन्य दूसरे गाँव पहुँच गए। साहब, आपके लिए भीड़ नहीं मारती, अगर आप 2018 में मैडम के साथ होते, मैडम के लिए आप आते, आशा मैडम के लिए, मैडम का ठेका नहीं सर, आप आपकी पार्टी के साथ, तो मेरे को टिकट पैसे दे दिए थे ना? नहीं सर, पैसे किसी ने नहीं दिया आपको, किसी ने नहीं दिए, लेकिन अगर अगर 2018 मैडम के लिए आते तो आपके लिए बाड़ोलास, पूरा बाड़ोलास खड़ा होता, बाड़ोलास को तो भी खड़ा कर, पूरा बाड़ोलास विरोध नहीं है, आपको विरोध नहीं है, अब इस बात पर किरोड़ीलाल मीणा ने भाजपा से बगावत कर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रही आशा मीणा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि आशा मीणा के समर्थकों ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया, लेकिन किसी तरह से वे वहां से बच कर निकल गए। अब कुछ लोग निर्दलीय लड़ रहे हैं, आपके बगल में एक गांव है, क्या है उसका नाम, बाड़ोलास, बाड़ोलास में आज हम गए थे प्रचार करने, क्योंकि हमको तो जनता के घर घर दस्तक देनी है, लेकिन वहां कुछ गुंडे आ गए, बदमाश, और हमसे हाथापाई करने लगे। एक गाड़ी हम वहीं छोड़ आए जिसकी सारी हवा निकाल दी और उसके शीशे तोड़ दिए बाड़ोलास में। वो आशा के लोग थे। मेरे साथ अगर ये बच्चे नहीं होते तो मेरे साथ धक्का मुक्की और हाथापाई हो जाती, ये नहीं होना चाहिए। ये लोकतंत्र में लोकतंत्र है, सबको प्रचार करने का अधिकार है। इसके जवाब में निर्दलीय प्रत्याशी आशा मीणा ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा पूरी तरह से चुनाव लड़ने से पहले ही बौखला गए हैं और मिथ्या आरोप उन पर मढ़े जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर उनके आने से लेकर जाने तक के सारे वीडियो मौजूद है, फिर ऐसे में किरोड़ी को झूठे आरोप लगाना शोभा नहीं देता। प्रत्याशी के साथ कोई घटना नहीं हुई वहां पर बड़ोलास में, क्योंकि उनका खूब स्वागत हुआ, सम्मान हुआ, सत्कार किया गांव वालों ने, बल्कि एक गांव वाले ने एक क्वेश्चन कर दिया छोटा सा कि आप 2018 में कहां थे, उस बात को लेकर भाजपा प्रत्याशी भड़क गए और उन्होंने गाली गलौज की लोगों के साथ, बदतमीजी की, धक्का मुक्की उन लोगों ने की, बल्कि गाँव वालों के साथ, गाँव वालों ने तो बहुत शांतिपूर्वक उनका सम्मान किया, ऐसा कुछ नहीं हुआ जो आरोप लगा रहे हैं, वो उनके सारे आरोप मिथ्या है। उनका साफ तौर पे आरोप किया, आपके जो कार्यकर्ता है उन्होंने पथराव भी उनके ऊपर किया और गाड़ी भी तोड़ी। वीडियो देख सकते हैं, आज का सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया पर कोई बात छुपी नहीं रहती, अगर ऐसा कुछ होता तो मुझे एक भी वीडियो आप बताइए, मैं वीडियो देती हूँ, उन्होंने बोला है वो सबके सामने लाइव है, वहां ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल शांतिपूर्वक रहा, उनके बस षड्यंत्रपूर्वक एक प्लानिंग थी जिसके तहत वो ऐसा करना चाहते थे। आपको बता दें कि बीजेपी ने पहली लिस्ट में 7 सांसदों को विधानसभा चुनाव मैदान में उतारा था, इसमें राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा का नाम भी शामिल है। मीणा सवाई माधवपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे। किरोड़ीलाल मीणा का मुकाबला कांग्रेस प्रत्याशी दानिश अब्रार से होगा। कुछ दिन पहले ही दानिश अब्रार की कार पर भी असामाजिक तत्वों ने पथराव कर शीशे तोड़ दिए थे, उस वक्त उनके साथ परिवारजन भी मौजूद थे।